वो रैबिया भी खुलवाया और क्या फैसला था कादी सर साहब को, आप पढ़ लें। उन्होंने कहा जी कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है जो जो वो बयान है और रैबिया कैन नॉट बी रीओपन। मलक साहब आप हम किधर जा रहे हैं, आपके सामने 100 इलेक्टेबल मुख्तलिफ पार्टीज के इसी 985 एसेट बियॉन्ड रिसोर्सेज के इन्होंने ब्लैकमेल करके लोगों को वहां शिफ्ट किया। ना मेरा मलक साहब पनामा पेपर में नाम था, ना मेरा 20 एकड़ की जजमेंट में नाम था। मेरा ये कसूर जरूर है कि मैंने दो अदारों को लड़ाई से बचाया और डॉन लीक्स की रेजोल्यूशन करवाई, और वो जो डॉन लीक की रेजोल्यूशन थी और कुछ अनरीजनेबल डिमांड्स को मैंने नहीं मीट किया। मैंने अपना मुंह जो है बंद किया हुआ है, मैं अपने मुल्क के इंटरेस्ट में सबसे ज्यादा पिछले 20 साल में अगर क्लासीफाइड और नेशनल सिक्योरिटी के प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट किया मैं हूं और वो डॉक्यूमेंटेड है सारा। लेकिन मैंने आज तक, मुझे इंटरनेशनल मीडिया भी बात करता है, यहाँ मैंने कभी किसी चीज पे मैंने बात नहीं की और ना ही मैं करना चाहता हूँ। उसकी वजह यह है कि हम अपने पेट से अगर चीजों को उठाएंगे तो हमारा नेशनल सिक्योरिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज होगी। मैं इसके